बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने डाइजेशन के बारे में गुफ्तगू की थी और हमने उसमें आपको डाइजेशन की डेफिनेशन और उसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताए थे, याद आया। और हमने आपको एक काम भी दिया था कि आपको डाइजेशन की डेफिनेशन और पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम याद करना है। याद कर लिए? ओके, चले आज की क्लास शुरू करते हैं। और पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था कि अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे, याद आया। ओके, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी हाजमे का अमल। तो क्लास अपनी शुरू करते हैं आज की। टुडेज टॉपिक इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी हाजमे का अमल। तो आज हम ये देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट में ग़िज़ा को हजम करने का क्या क्या काम होता है। आज की क्लास थोड़ी टिपिकल है, ठीक है, थोड़ी मुश्किल है, तो आपको बहुत तवज्जो से सुनना पड़ेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। वैसे तो सारी क्लासें आपको तवज्जो से सुनना चाहिए, लेकिन आज खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, सही। चलें शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट कौन सा बताया था हमने आपको? ओके, माउथ। माउथ में क्या क्या होता है? माउथ में, वैसे इसका एक्चुअल नाम जो है वो बकल कैविटी है। क्या है? बकल कैविटी। इस बकल कैविटी मैं आपको दिखा देता हूं कि बकल कैविटी क्या है। आपका मुंह का जो हिस्सा, अंदर का पूरा हिस्सा है ना, जिसमें आप खाना रखते हैं, ये हिस्सा कहलाता है बकल कैविटी। क्या कहलाता है? बकल कैविटी, और आम जबान में हम इसको माउथ कहते हैं, ठीक है। वैसे एक्चुअल तो माउथ इज द गेटवे ऑफ बकल कैविटी, याद रहे ये बात, ठीक है। कहीं अगली क्लासेस में आए तो आप परेशान ना हो जाएं कि ये क्या आ रहा है, हमने तो ये नाम सुना ही नहीं था, ठीक है। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। तो माउथ के बारे में बात कर रहे थे हम। माउथ में तीन चीजें हैं। नंबर वन टीथ। टीथ का काम क्या है? ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस। टीथ खाने को छोटे छोटे पीसेस में तब्दील कर देते हैं या तोड़ देते हैं, ठीक है। किस तरह? भाई खाने को चबाते हैं तो खाना स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, आसान सी बात है। उसके बाद टंग। टंग का क्या काम है? मिक्सेस फूड विद सलाइवा, यानी जबान का भी हाजमे में कोई काम है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? खाने को सलाइवा के साथ मिक्स कर देना। फिर सलाइवा क्या काम करता है? लुब्रिकेट फूड, खाने को चिकना कर देता है, तर कर देता है, नम कर देता है। और उसके अलावा सलाइवा में एक एंजाइम होता है, केमिकल होता है, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद देता है, ठीक है। एक बार फिर देखें, दांत खाने को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, टीथ खाने को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है, और सलाइवा खाने को लुब्रिकेट करता है यानी तर कर देता है, चिकना कर देता है, और उसके साथ साथ स्टार्च की डाइजेशन में मदद देता है। ये लुब्रिकेट करने से मतलब खाने को नम किया जाता है, तर किया जाता है, चिकना कर दिया जाता है, ताकि खाना आसानी से हलक से होता हुआ और यहाँ आपके फूड पाइप से या ऑसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक पहुँच जाए, ठीक है। तो लुब्रिकेशन से ये फायदा होता है। अब अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं। अगला हिस्सा कौन सा है? एसोफेगस। तो एसोफेगस खाने की में डाइजेशन में कोई मदद नहीं देता, ये एक सिर्फ रास्ता है। एसोफेगस या फूड पाइप जो है, ये खाने का एक रास्ता है जिससे गुजर के खाना कहाँ पहुंचाया जाता है? स्टमक में, और वहां फिर खाने में मजीद जो है वो डाइजेशन का अमल होता है। तो देखते हैं कि स्टमक में क्या होता है। स्टमक के अंदर उसकी दीवारों से, स्टमक की जो दीवारें हैं वो काफी मोटी मोटी होती हैं, और उनसे एक सिक्रीशन निकलती है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है? सॉरी, गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। गैस्ट्रिक जूस में दो चीजें बहुत अहम हैं। एक, इसके अंदर HCL होता है, एक तेजाब होता है जो खाने को सॉफ्ट कर देता है, नरम कर देता है बिल्कुल, और उसके साथ साथ इसमें एक एंजाइम होता है
वो प्रोटीन की डाइजेशन में मदद देता है। ठीक है, अगला हिस्सा फोर नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक बात करते हैं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? देखिए लंबाई के लिहाज से तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है लार्ज से, लेकिन इसका लूमन जो है, ठीक है, जो इसकी मोटाई है ना वो पतली होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी मोटाई ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका जो ल्यूमन है ना, ठीक है, उसकी वजह से इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरी का नाम लार्ज इंटेस्टाइन रखा गया है। ठीक है, याद रखिए बात। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आता है, बाइल हमने आपको बताया था कहां से आता है, लिवर से। उसके अलावा यहां पर पैंक्रियाटिक जूस आता है, पैंक्रियाटिक जूस कहां से आता है, पैंक्रियास से आता है। ठीक है, इन दोनों से डाइजेशन का अमल मुकम्मल होता है या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ इंटेस्टाइन की दीवारों से भी एक जूस निकलता है, एक सेक्रीशन निकलती है जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। ठीक है, वो भी आपके कोर्स में शामिल नहीं है इसलिए भी आपको नहीं बताया, लेकिन वो भी यहाँ शामिल है और वो भी डाइजेशन में मदद देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का अमल मुकम्मल हो जाता है और उसके साथ साथ यहाँ एब्जॉर्प्शन का अमल भी शुरू हो जाता है, खाने के जज्ब करने का अमल। खाने को जज्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अंदर बारीक बारीक माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं और मिलियंस में है। ठीक है, मिलियंस में, लाखों, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। विलाई खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। विलाई क्या करते हैं भाई? खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का अमल भी मुकम्मल होता है और यहीं से एब्जॉर्ब करने का अमल भी शुरू हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उससे अगला हिस्सा कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कि वहां क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो चीजें पहुंचती हैं, जितना जज्ब होने वाली चीजें थी वो सारी जज्ब हो जाती है। खाना यहाँ पर तकरीबन जज्ब हो चुका होता है, लेकिन दो चीजें जो है वो मौजूद होती हैं इसमें अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, एक है वाटर और दूसरा मिनरल। ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती हैं भाई? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके बाद जो बकिया अनडाइजेस्टेड फूड है वो अगले हिस्से रेक्टम में भेज दिया जाता है। रेक्टम याद है यहाँ बना हुआ है, ये रहा रेक्टम, यहाँ भेज दिया जाता है। और आखिरी हिस्सा कौन सा है? एनस। तो एनस जो है वो एक दरवाजे का काम करता है और इससे अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह डाइजेशन का अमल जो माउथ से शुरू हुआ था, यहाँ माउथ से शुरू हुआ था और कहाँ मुकम्मल हुआ? रेक्टम तक, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड एनस के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज आपने डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब सारी चीजों को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, एक बार पूरा ओवरव्यू लेते हैं कि आज जो हमने पढ़ा है उसको समराइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो डाइजेशन का प्रोसेस कहां से शुरू हुआ था? माउथ से। माउथ में तीन चीजें हैं, तीनों का डाइजेशन में अलग अलग किरदार है। नंबर वन टीथ, नंबर टू टंग एंड नंबर थ्री सलाइवा। टीथ क्या करते हैं अब आप बताएंगे। ओके, टीथ खाने को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। टंग क्या करती है? खाने के साथ सलाइवा को मिक्स कर देती है। तीसरा पार्ट सलाइवा, क्या काम है सलाइवा का आप बताएंगे। ओके, लुब्रिकेट फूड एंड स्टार्ट डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, इसमें एंजाइम होता है जिससे स्टार्च के हजम में मदद मिलती है। उसके बाद एसोफेगस, सॉरी एसोफेगस, एसोफेगस का काम क्या है भाई? इसका कोई काम नहीं है, बस खाना यहाँ से गुजर के कहाँ पहुंच जाता है? स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है। ये खाने के में क्या करता है? ये प्रोटीन की डाइजेशन में मदद देता है। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है और इसके साथ साथ इंटेस्टाइनल जूस होता है। ये तीनों मिलकर निजाम
जो डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से शुरू हुआ था उसे यहाँ मुकम्मल कर देते हैं, और उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है, खाने को ब्लड में एब्जॉर्ब करने का अमल भी शुरू हो जाता है। इसके जरिए होता है, हमने आपको बताया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, याद है? ओके, विलाय, विलाय की मदद से खाने को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद जो बकिया चीजें हैं वो कहां पहुंच जाती हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां पहुंचता है? रेक्टम में, और उसके बाद उसे एनस के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह डाइजेशन का अमल जो माउथ से शुरू हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में मुकम्मल हुआ, यहां से एब्जॉर्प्शन का अमल शुरू हुआ जो लार्ज इंटेस्टाइन में मुकम्मल हुआ, और उसके बाद जो चीजें बच गई उसे एनस के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। तो हमने कोशिश की है कि चीजों को बहुत समेट के और मुख्तसर करके आपको बताएं, यकीन आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आपका काम यह है कि आप इस वीडियो को कम से कम 3 मरतबा देखेंगे। मैंने शुरू में बताया था कि आज का लेक्चर बहुत टिपिकल है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत तवज्जो से, बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुननी है और सीखनी है। ठीक है, और ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। आप 7th क्लास में भी पढ़ेंगे, 8th में भी इसके साथ वास्ता पढ़ सकता है, फिर 9th क्लास में भी इससे वास्ता बढ़ेगा, और कहीं आप उससे आगे बायो पढ़ते हैं या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, डॉक्टर बनने जाते हैं, तब भी आपका इससे वास्ता बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरह समझना है ताकि आइंदा आपको उससे पढ़ाई में मदद मिल सके। तो मैंने क्या बताया, कितनी बार इसको देखना है? कम से कम 3 मरतबा, और फिर उसके बाद घर में किसी के साथ बैठकर इसको डिस्कस करना है बगैर देखे कि माउथ में क्या होता है, स्टमक में फूड के साथ क्या होता है, इंटेस्टाइन में फूड के साथ क्या होता है। ठीक है, तो इस करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगली जो है वीडियो में और अच्छा सा इंटरेस्टिंग सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।